हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक विज्ञान का वायरल पेपर बताने वाला हूँ जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये पेपर आप लोगों की 2025 बोर्ड में आने वाला है। 100% ये पेपर आएगा। इसमें जितने प्रश्न है सारे प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इस पेपर में जितने प्रश्न है सारे प्रश्न का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। एक एक प्रश्न में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोड याद कर सकते हो, कोड है 824DD कोड है। और ये पेपर आपके एग्जाम में 100% आएंगे 2025 में। और विज्ञान का यह आप लोगों का पेपर है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय जो दिए जाएंगे वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डाल लीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। सामान्य निर्देश में जैसे पहला पॉइंट बोला है, पहला पॉइंट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब में विभाजित है, मतलब 2 खंडों में यह पेपर बटा हुआ है। तीसरा है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क, ख, ग में विभाजित है। मतलब खंड अ और खंड ब दोनों खंड 3 उपखंड में विभाजित है। तो क, ख, ग, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रश्न होते हैं, इसलिए 3 उपखंड इसका दिया गया है। चौथा निर्देश बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा, OMR शीट पे देना होगा। OMR शीट पे इसका उत्तर देना होगा। या तो आप नीले पेन से उसको रंग सकते हो या तो काले पेन से, लेकिन पेन आप लोगों का बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाले पेन से नहीं। इसके बाद अगला निर्देश देखिए क्या है। अगला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर हम बात करें पूरा तो 20 प्रश्न पूछेगा 20 नंबर का, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का पूछेगा। इसके बाद अगला निर्देश है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न है आपके खंड ब में। इसके बाद अगला निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा रहेगा। अगला निर्देश देखिए क्या है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब यह है कि खंड ब में 3 उपखंड है, उपखंड क, ख, ग। अगर उपखंड क आपने समाप्त कर दिया और उपखंड ख करने वाला हो तो उसको नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना है, या उपखंड ग कर रहे हो तो उसको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। तो यह था मेरे प्यारे बच्चों निर्देश जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है। सब कुछ मैंने समझा दिया आप लोगों को। और यहाँ पे एक पॉइंट और बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न दिया है इसमें देखिए, सबसे पहले पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा, पेपर स्टार्ट होगा यहाँ से खंड अ। और खंड अ में क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न और कितने नंबर के, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। और उसमें भी सबसे पहले आया है आप लोगों का उपखंड क। उपखंड क मतलब मेरे प्यार बच्चों किसका, तो फिजिक्स का प्रश्न। फिजिक्स का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उपखंड क में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का प्रश्न करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कितना सिंपल है, क्या पूछा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरण किस में जाएगी, किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगी, कि अपवर्तन कोण का मान जो होगा आपतन कोण की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक ही कंडीशन होगा,
कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी तभी संभव है यार। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो 100% अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को रट जाना है कि 20 में 20 लेकर आना है आप लोगों को, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों की ये पेपर, और इस पेपर को पूरा तैयार कर लेना और 70 में 70 नंबर आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लेकर आना है। आगे अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बोला है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब ये आप लोगों का प्रिज्म है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो 7 रंगों में वह क्या होती है, किरण विभक्त हो जाती है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है? तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो आप लोगों का बैगनी रंग का। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का? बैगनी रंग का। क्लियर है? चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि आर व टू आर ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध आर वन तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर आर टू हो, तब आर वन और आर टू का अनुपात निकालना है। कहने का मतलब है कि दो प्रतिरोध दिया हुआ है आर और टू आर, उसको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है और उसी को एक बार समांतर क्रम में जोड़ रहा है, और दोनों को जोड़ने के बाद अनुपात पूछ रहा है कि आर वन और आर टू का अनुपात कितना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे श्रेणी क्रम में निकालेंगे, श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर वन बराबर। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे पहला प्रतिरोध आर दिया है, दूसरा प्रतिरोध आपको टू आर दिया है, दोनों को जोड़ते हुए तो आप लोगों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। तो यहाँ से आर वन बराबर कितना आ जाएगा, आर और टू आर मिलकर हो जाएगा थ्री आर, तो आर वन का वैल्यू तो कितना आ गया, थ्री आर आ गया। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा कि 1/R2 बराबर 1/R1। पहला प्रतिरोध क्या दिया है आर, आ प्लस 1/R2 दूसरा प्रतिरोध क्या दिया है, टू आर दिया है। तो यहां से जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1/R2, 1/R2 बराबर यहाँ से एलसीएम ले लो, आर और टू आर का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आप लोगों का टू आर, तो आर से आर कैंसिल बच गया दो, दो को गुणा जब आप एक में करोगे तो हो जाएगा दो, और प्लस टू आर से टू आर पूरा कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे एक, तो यहाँ पे आप एक लिख दो। इसके बाद जब नीचे आओगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/R2, तो 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, दो और एक मिलकर हो जाएंगे तीन, और 3/ हो जाएगा आपका टू आर। हमें निकालना क्या है, आर टू। जब आर टू निकालोगे तो आर टू को आप ऊपर कर दो, तो जैसे आर टू को ऊपर करोगे तो यहाँ पे टू आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे तीन जो है आपका क्या जाएगा, नीचे आ गया, तो यहाँ पे आर टू भी आ गया। लेकिन हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन में अनुपात पूछा है कि आर वन और आर टू का अनुपात बताओ, तो यहाँ पे आर वन बटे आर टू का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो आर वन का वैल्यू तो यहाँ पे थ्री आर दिया है, और आर टू का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, टू आर, और बटे में यहाँ पे क्या दिया है, तीन दिया हुआ है। अब सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो ये तीन जो है ऊपर चला जाएगा, तीन क्या है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर वन बटे आर टू बराबर 3 × 9, तो ऊपर हो जाएगा 9R और नीचे हो जाएगा आप लोगों का 2R, तो R से R कैंसिल हो गया, बच गया 9/2, और यही अनुपात कहलाएगा आर वन बटे आर टू का। तो 9/2 का मतलब यहाँ पे देखिए B वाला ऑप्शन दिया है कि आर वन बटे आर टू का अनुपात 9/2 होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर फोर। प्रश्न नंबर फोर है यहाँ पे कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, मतलब किस स्थान पे अगर हम रखेंगे अवतल दर्पण में कि उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब किस स्थान पे उसको रखा जाए। तो मेरे प्यार बच्चों बी वाले ऑप्शन पे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर हम रखेंगे तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक देखने को मिलेगा और वस्तु से क्या देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएंगे और पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लेकर चले आओगे, क्योंकि मैं पूरे किताब जो इसमें दिया है पूरे प्रश्न सारे प्रश्न का मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आगे देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा है, पांचवा प्रश्न है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो
तो अगर विद्युत धारावाही चालक के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम का हमें प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5वें का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि 3 प्रतिरोध दिया हुआ है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। चलिए हम लोग यहाँ पे एक चित्र बना देते हैं। तो एक प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, फिर आगे एक प्रतिरोध को यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक प्रतिरोध और दिया है तो एक प्रतिरोध को यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे एक हम एम्पियर लगा देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सर्किट को पूरा कर देते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध दिया है, 2 ओम, तो इसको 2 ओम कर देते हैं और इसको मान लेते हैं पहला प्रतिरोध R1। इसके बाद यह हो गया R2 और यह हो गया R3, 3 प्रतिरोध है ना। तो R2 कितना दिया है? 4 ओम। R3 कितना दिया है? 6 ओम। और कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे जो एम धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर का धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। तो धारा मतलब I, I बराबर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है पूरे सर्किट में। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब कि R1 के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, R2 के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और R3 के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तीनों का अलग अलग विभवांतर पूछा है। तो चलिए पहले हम लोग R1 में निकालते हैं। तो R1 में निकालेंगे विभवांतर, तो सूत्र क्या होता है? ओम का नियम, V बराबर आई आर। तो अगर इसमें V बराबर आई आर प्रयोग करेंगे तो V बराबर आई, एम्पियर कितना है? 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। और प्रतिरोध किसका हम लोग निकाले, R1 का, तो कितना दिया है? 2 ओम। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा? 2 दुनिया के 4, तो 4 वोल्ट। कितना? 4 वोल्ट आ गया पहले प्रतिरोध में विभवांतर। इसके बाद दूसरे प्रतिरोध में अगर विभवांतर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर फॉर्मूला इसमें भी सेम रहेगा। तो V बराबर आई, एम्पियर तो आप लोगों का 2 एम्पियर ही रहेगा, धारा चेंज हो जाएगा क्योंकि R2 में धारा कितना है? 4 ओम का। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बराबर V बराबर कितना हो जाएगा? 4 दुनिया के 8, 8 वोल्ट यहाँ पे विभवांतर प्रवाहित होगा प्रतिरोध दूसरे में। तीसरा में अगर मैं निकालूं तो फार्मूला वही रहेगा, V बराबर आई आर, और V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? I तो आप लोगों के सेम रहेगा, 2 एम्पियर, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा कितना? 6 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर 6 दुनिया के 12, तो 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, 12 वोल्ट। तो 4, 8, 12, देखिए किस वाले ऑप्शन में दिया है? पहले वाला ऑप्शन में 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, एक बार बस प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सारे प्रश्न आप कर लेंगे एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया आप लोगों का उपखंड ख, और उपखंड ख में मेरे प्यार बच्चों केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे? केमिस्ट्री के। फिजिक्स के प्रश्न हमने कर दिया उपखंड क में, अब उपखंड ख आ गया, इसमें किसके प्रश्न रहेंगे? तो केमिस्ट्री के रहेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री के प्रश्न, कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो किस अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए क्या है कि मीठे सोडे या खाने सोडे का अणु सूत्र क्या होता है। तो मीठे सोडा जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो उसका अणु सूत्र क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? तो NaHCO3, NaHCO3 होता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, अणु सूत्र आप याद कर लीजिएगा, मीठे सोडा दे देगा या खाने वाला सोडा दे देगा, दोनों एक ही होता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां, कि अमलगम होते हैं
तो अमलगम क्या होते हैं, उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु की योगी की, यहाँ पे विस्मांगी मिश्रण होते हैं। तो जो अमलगम होते हैं वो विस्मांगी मिश्रण होते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल है। पूछा है कि प्रोपेनल है, मतलब प्रोपेनल का सूत्र पूछा है यहाँ पे, इन चार ऑप्शन में से प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है कि C3H6O जिसमें 1:2 बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेनल। देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, कार्बन और हाइड्रोजन में अगर रेशियो 1:2 का रेशियो बनता है तो होता है प्रोपेनल। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों एथनोइक अम्ल। क्या होता है? एथनोइक अम्ल होता है। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथनोइक अम्ल। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा के जो जल होते हैं उसके पीएच मान कितना होता है, तो 5.2 होता है। ए वाला ऑप्शन 5.2, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 का। अब यहाँ से उपखंड ग आ गया, और उपखंड ग किस में रहेंगे, तो बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ से बायो के प्रश्न स्टार्ट हो गया प्रश्न नंबर 14 से। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो बाएं आलिंद में आता है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाएं आलिंद में। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 कि पित्त का संश्लेषण होता है। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है, यकृत में तो लीवर में। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है ये अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ईस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 मेरे प्यार बच्चों यह है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है, तो आप लोगों का क्या है, शुक्रवाहिका, क्योंकि अंडाशय और गर्भाशय और डिंबवाहिका ये तो नर मादा जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो वह आप लोगों का शुक्रवाहिका, क्योंकि नर जनन तंत्र का भाग होता है। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 कि मेंडल प्रसिद्ध है। तो मतलब कि मेंडल जो है वो किस नियम के लिए प्रसिद्ध है, तो सबको मालूम है कि आनुवंशिकता के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो यक्ष और वाई होता है, ठीक है। और स्त्री, अगर स्त्री का पूछ दे तो स्त्री में एक्स एक्स होता है, ठीक है, ये बात आपको भी मालूम है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20 जो कि लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप मतलब पौधा, पौधा में जो जाइलम होता है वो किस कार्य के लिए होता है जाइलम, तो जाइलम मतलब कि जल का वहन करने में होता है। मेरे प्यार बच्चों एक प्रश्न फ्लोयम भी पूछता है, जाइलम की जगह एक प्रश्न आपको एग्जाम में फ्लोयम भी पूछता है, पूछेगा कि पादप में फ्लोयम उत्तरदायी है। तो फ्लोयम मतलब फूड, या से याद कर लीजिएगा फूड, फूड मतलब भोजन, तो भोजन का वहन करने में। तो जाइलम पूछेगा तो जल का वहन, फ्लोयम पूछे तो भोजन का वहन करने में सहायक होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो 20वें का ए वाला जो है राइट आंसर हो गया। अब मेरे प्यारों जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए, अब यहाँ से खंड ब स्टार्ट होगा, और खंड ब में कौन से प्रश्न रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, और भी कितने नंबर के, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपका खंड पहले आएगा उपखंड क, उपखंड क मतलब कि पहले फिजिक्स के प्रश्न आएंगे इसमें, इसके बाद केमिस्ट्री के, इसके बाद फिर बायो के। तो देखिए उपखंड क में पहला प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल आ गया, और भी कितने नंबर का है, तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल दिया है, चलिए इसको लगाएंगे। बोला है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 4 नंबर के लिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, सबसे पहले कैसे लगाने का तरीका क्या होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले दिया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, तो आप एफ बराबर 30 सेंटीमीटर लिख दो, फिर कामा लगा दो। इसके बाद आगे पढ़ो क्या बोला है, उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब,
ठीक है। बिंब मतलब होता है यहाँ पे कि वस्तु, तो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, और वस्तु की लंबाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच वन से, तो एच वन लिख दो, एच वन बराबर 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई लिख दो, फिर कामा लगा दो। फिर बोला कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब वस्तु कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है दर्पण से, 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो यू बराबर हो जाएगा आप लोगों का 30 सेंटीमीटर। और यू हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हमेशा माइनस में होता है। इसके बाद देखिए क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो वी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पूछा है आकार, मतलब प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार को हम लोग एच टू से डिनोट करते हैं, तो एच टू बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा है, प्रकृति, प्रकृति को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर आवर्धन होता है। ठीक है, ये तीन चीज हमें ज्ञात करना है। अब हमने सारा चीज लिख दिया, अब लगाएंगे हम लोग कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र, क्योंकि दर्पण की बात है, दर्पण सूत्र आप लोगों को याद होगा तभी ये प्रश्न ये आप लगा पाओगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप लोग दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र आई होप सबको मालूम होगा जितने भी क्लास 10th में हैं। दर्पण सूत्र ये होता है कि 1/f, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह होता है आप लोगों का दर्पण सूत्र। अब वैल्यू सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, रखना है, तो 1/f, f का वैल्यू दिया था कितना 30, बराबर 1/v, v का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, और प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे -30, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -30 लिख दोगे। अब आगे बढ़ो, ये हो जाएगा आप लोगों का 1/30 बराबर, ये हो जाएगा आप लोगों का 1/v, और यह माइनस का गुणा जब इस प्लस में होगा तो ये उसको माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा 1/30। इसके बाद देखिए करोगे क्या कि ये तो 1/30 ऐसे ही रहेगा, अभी यह जो -1/30 है अगर इसको इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा +1/30 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा आप लोगों का 1/v बच जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो 30 और 30 का एलसीएम क्या होता है 30, तो 30 से 30 कैंसिल बच गया कितना 1, और प्लस ये भी 30 से 30 कैंसिल बच गया ऊपर वाला 1, बराबर 1/, यहाँ पे क्या बच गया वी। अब 1 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2, 2/30 बराबर इधर हो गया आप लोगों का 1/v। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें वी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो वी को ऊपर कर दो तो इधर आप लोगों का 30 ऊपर चला जाएगा और 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब कटा दो तो वी बराबर क्या हो जाएगा 15 × 30, 15 सेंटीमीटर, तो V का वैल्यू तो कितना गया 15 सेंटीमीटर, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से, तो V का वैल्यू आ गया। अब हमें H2 का वैल्यू ज्ञात करना था, यहाँ पे आकार, प्रतिबिंब का आकार H2, तो H2 ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर एम बराबर फार्मूला होता है H2/H1 बराबर -V/u, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू सिर्फ रखना है, वैल्यू रखोगे और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे देखो, ये हो जाएगा m बराबर, एच टू का वैल्यू ज्ञात करना है तो एच टू की जगह एच टू लिख दो, एच वन का वैल्यू आपको दिया था कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 बराबर -V, v का वैल्यू कितना दिया है 15, और बटे में u का वैल्यू कितना दिया था -30, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसको काट दो, 15 कम 15 और 15 × 30, जब इसको यहाँ पे नोट करोगे तो हो जाएगा m बराबर H2/5 बराबर 1/2, यही बचेगा। अब ये हो जाएगा m बराबर H2 को गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 2 × H2, और 5 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 5। अब क्या करोगे कि m बराबर H2 निकालना है मैंने, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा 5, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब यहां से अगर m निकालूं तो m बराबर क्या हो जाएगा H2 बराबर 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आ गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब यहाँ पे प्रकृति पूछा था, तो यहाँ पे v प्लस में है, तो v प्लस में है तो आभासी, जब v प्लस में रहता है तो क्या होता है आभासी। अब सीधा बनेगा कि उल्टा, तो यहाँ पे H2 का वैल्यू भी प्लस में है इसलिए क्या बनेगा सीधा, तो प्रकृति क्या हो गया आभासी तथा सीधा, V का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और H2 का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा क्लियर हो गया।
चार नंबर आप लोगों को एकदम मिल जाएगा, एक नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु उपयोगी लेंस बताइए व इसका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख तो आप लोग बना लीजिएगा, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस। में लिख देता हूँ, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपके आंखों में निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी चार नंबर का, ये भी आप लोगों का न्यूमेरिकल ही पूछा है। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और चार नंबर के लिए प्रश्न है, आप घबराइए नहीं, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए मैं इसको भी बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तीन प्रतिरोध है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम। चलो मान लो पहले प्रतिरोध को R1 मान लो, तो R1 बराबर कितना दे दिया, 2 ओम। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध को आप R2 मान लो, R2 बराबर क्या लिखोगे, 3 ओम। और एक प्रतिरोध को आप R3 मान लो जो कि कितना दिया है, 5 ओम, तो इसको 5 ओम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध अगर मैं निकालूं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, R1 + R2 और + R3, यही तो होता है श्रेणी क्रम में। आप इसको जोड़ दोगे तो श्रेणी क्रम में निकल जाएगा। तो R1 2, R2 का वैल्यू 3 और R3 का वैल्यू 5, तीनों के जब आप जोड़ोगे तो आ गया 3 2 5, 5 5 10, 10 यहाँ पे ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। इसके बीच में बोला है कि 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो V बराबर आपको दिया है कितना, 30 वोल्ट। तो यहाँ पे साइड में आप लिख लो कि V बराबर आपको कितना दिया है, 30 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, मतलब R1 के बीच विभवांतर कितना लगेगा, R2 के बीच विभवांतर कितना लगेगा और R3 के बीच विभवांतर कितना होगा, तो तीनों को अलग अलग निकाल दो। चलो हम लोग पहला निकालते हैं R1 के बीच। तो R1 के बीच अगर हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कि V बराबर IR, तो पहला निकाल लो इसलिए V1 लिखो, V बराबर I, I तो आप लोगों का यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो V बराबर IR, ठीक है। ये क्या होता है, ओम का नियम। देखो विभवांतर निकालना है तो I आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ से V बराबर IR एक फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से I निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के R, तो यहाँ से I हमेशा आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे, I बराबर V का वैल्यू तो दिया ही आपको कितना, 30 वोल्ट। R का वैल्यू तुल्य प्रतिरोध टोटल कितना दिया है, 10 दिया है। अब काट दो तो I बराबर 10 दिया है 30, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे धारा कितना आ गया, 3 एम्पियर। अब तीनों का अलग अलग निकाल लो। तो यहाँ पे पहला लिखोगे, पहला आप लोगों का होगा कि पहले प्रतिरोधों के बीच विभवांतर। तो पहले प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, फॉर्मूला आप लोगों का वही रहेगा, V बराबर IR, V बराबर IR। तो I तो आप लोगों का तीनों में सेम रहेगा, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे R1 होगा, क्योंकि पहले प्रतिरोधों के बीच विभवांतर निकाल ले। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले पे पुटअप करोगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I तो आप लोगों का 3 एम्पियर ही रहेगा और R1 का वैल्यू कितना दिया था, 2, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 2 तिहाई 6 वोल्ट। तो पहले प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर कितना गया, 6 वोल्ट का गया। इसी तरह दूसरे प्रतिरोधों के बीच विभवांतर निकालोगे तो यहाँ पे आपको V2 लिखना पड़ेगा, V2 बराबर I तो आप लोगों का तीनों में सेम रहेगा, और यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध है तो R2 लिखोगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा V2 बराबर I का वैल्यू तो सेम रहेगा 3, R2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, R2 का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो V2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3 तिहाई 9, तो 9 वोल्ट आ गया। इसी तरह तीसरे प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर निकालोगे तो यहाँ V3 लिखना पड़ेगा, तो V3 बराबर I तो सेम रहेगा, यहाँ पे R3 लिख दो, तो हो जाएगा आप लोगों का V3 बराबर I तो आप लोगों का उतना ही रहेगा, 3 एम्पियर, और R3 का वैल्यू कितना दिया है, 5, तो हो जाएगा V3 बराबर 5 तिहाई 15 वोल्ट। मतलब कि तीसरे प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर जो आ गया वो कितना आ गया, 15 वोल्ट का आ गया। अब तीनों को अलग अलग हमने निकाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कितने नंबर आपको दे दिए जाएंगे, 4 नंबर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी तरह कॉपी में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 अब यहाँ पे कितने नंबर के लिए रहेंगे, 6 नंबर के लिए। कह रहा है कि नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है।
तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। जब बाएं हाथ का नियम आप लिखोगे फ्लेमिंग के, तो आपके कितने नंबर के लिए दिया गया है, 6 नंबर के लिए। और ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप एक प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और इसमें ऐड किया गया है, आप उसको कर सकते हो कि किसी प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को स्पष्ट रेखांकित बनाइए। मतलब कि अगर आपका कोई प्रिज्म है और यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है तो 7 रंगों में वो क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो उसको डायग्राम द्वारा और नाम सहित इसको दर्शाइएगा, तो आप लोगों को 6 नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा उपखंड ख। उपखंड ख किसमें प्रश्न रहेंगे आपके, केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। तो केमिस्ट्री के प्रश्न प्रश्न नंबर 5वां से स्टार्ट होता है। जितना प्रश्न इसमें सारे प्रश्न तैयार कर लो, ठीक है, 70 में 70 नंबर चाहिए। तो क्या बोला है कि उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो उष्मा छेपी अब बताओगे तो 2 नंबर, उष्मा शोषी बताओगे तो 2 नंबर, दोनों दो दो नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आष्पीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का आप लोगों को नाम भी लिखना है। और कितने नंबर के लिए प्रश्न है, 6 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बताना कि भर्जन क्या होता है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। उभय उपघटन क्या होता है, 2 नंबर यहाँ से। संक्षारण क्या होता है, 2 नंबर यहाँ से। अगर वो प्रश्न नहीं 7वां नहीं कर पाते हो धातु की सक्रियता श्रेणी वाला, तो आप ये तीनों का आप परिभाषा बता दोगे तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है आप लोगों का उपखंड ग। उपखंड ग में बायो के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। देखो बायोलॉजी वाला प्रश्न प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट हुए। किलार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं, कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अभी 4 नंबर के लिए ही प्रश्न है कि मुकुलन क्या होता है। फिर प्रश्न नंबर 10वां यहाँ से स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2-2 नंबर मिलेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है, 2 नंबर इस पे दिए जाएंगे। पूर्ण रूद भवन क्या है, जिसे पूर्ण जनन कहते हैं, 2 नंबर इस पे दिए जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए, अगर आपको 70 में 70 नंबर लेकर आना है। ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है और ये पेपर को पूरा का पूरा आपको तैयार कर जाना है। प्रश्न नंबर 11 जो कि लास्ट प्रश्न है कि मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, सचित्र वर्णन करना है आप लोगों को। इसके बाद अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि मेंडल के अनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। तो दोनों में से कोई भी एक प्रश्न करोगे तो आपको 6 नंबर दे दिए जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दिया और ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%। बस इसको आप तैयार कर लो, 2025 में आप 70 में 70 नंबर आप साइंस में करके आओगे, मेरी गारंटी है। ये पेपर आप लोगों को तैयार होना चाहिए बिल्कुल। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।